अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज फ्राइडे और आज भी हम लोग कहीं जा रहे हैं क्योंकि पूरा हफ़्ता हम लोग घर में ही रहते हैं, और इसलिए तो फ्राइडे एक ही दिन होता है जिसमें हम बाहर लेकर बच्चों को निकलते हैं। बच्चों को क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पूरे वीक में इनकी क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, फिर इनके होमवर्क टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाना पड़ता है कवर, फिर इनके कारी साहब आ जाते हैं, तो पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है हमारा। तो खैर फ्राइडे का एक दिन होता है कि चलो थोड़ी सी आउटिंग वगैरह बच्चों को करवा देते हैं हम। तो खैर हम लोग शाम के टाइम निकले थे, हमने सोचा कि बच्चों को पार्क में लेके चलते हैं, और पार्क में हम बहुत सालों बाद जा रहे हैं, 2 साल बाद जा रहे हैं। जब से कोविड स्टार्ट ये हुआ है ना, तब से हम अभी तक नहीं गए, और बंद भी था, और अब जब खुला है तो फिर इतना क्राउड है ना वहाँ। तो आज बस बच्चों की ज़िद की वजह से हम लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक या दो पार्क हैं, एक और पार्क है जिस पे लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था वो बहुत छोटा है, और ये दूसरा पार्क है, ये थोड़ा बड़ा है। इसमें टोकन वाले भी राइड्स हैं और जो स्विंग सिंपल स्विंग्स होती हैं वो वाली भी हैं, और ये बू अली का फेमस पार्क है, एक ही पार्क है ये पूरे बू अली में। तो चलें चलते हैं, और हम लोग आ गए हैं यहाँ पार्क में। बहुत ही, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना तब से 1.5 साल बाद आए हैं इस वाले, वरना अक्सर हम लोग आते थे बच्चों को इसी पार्क में लाते थे। कोविड की वजह से जो है ये पार्क बंद था। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये देखिए ये यहाँ जंपिंग एरिया है, और जो टोकन वाले जो राइड्स होती हैं ना वो भी हैं इधर। यहाँ अक्सर लोग आते हैं, सारी फैमिलीज आती हैं, पिकनिक करती हैं। ये देखिए ये इन्होंने चटाइयाँ बिछाई हुई हैं, और ये लोग सब बैठते हैं और पिकनिक वगैरह करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी इवनिंग स्पेंड करते हैं इधर। तो बस हमने कहा चलो थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा रश है इधर, बहुत ज़्यादा रश है। और ये मैंने थोड़ी सी लाइव रिकॉर्डिंग की करी है कि, लेकिन इतना शोर है ना इस पार्क में कि वो सही से समझ भी नहीं आ रही। जैनब राइट साइड पर टर्न होइएगा। पार्क में ना कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे ये वाला स्विंग बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसी पे ही बैठ जाती हूँ। चलें बैठते हैं। बच्चे वहाँ स्लाइड ले रहे हैं, उन्हें स्लाइड अच्छी लगती है, और मुझे ये वाला झूला, इस तरह से झूला दे रही हूँ। एक पैर मैंने नीचे रखा हुआ है और इस तरह से मैं पुश कर रही हूँ। और मैं बस अकेले अकेले झूला ले रही हूँ, मज़ा आ रहा है। कभी इंसान को ना अकेले भी इंजॉय करना चाहिए, बच्चों को जो है ये समझ रहा है, और मैं अकेले अकेले इंजॉय कर रही हूँ। वो रहे बच्चे इनके पास, अभी किसी को पता नहीं कि मैं इधर बैठी हूँ, मैं चुपके से आ गई हूँ इधर, वरना अभी सारे बच्चे मेरे पास होते। आइए ज़ैनब का है। अच्छा आइए इस वाली स्लाइड से। और ये वाली स्लाइड बहुत कोने पे थी, कॉर्नर पे थी, तो हमने कहा यहाँ इतना क्राउड भी नहीं था, तो हमने कहा यहीं ले आते हैं बच्चों को, यहीं आ जाओ और जल्दी जल्दी स्लाइड लो और फिर चलें, क्योंकि मेरे हस्बैंड रुकते नहीं है इतनी देर, उनको बच्चों को देखना होता है तो वो तंग आ जाते हैं। उन्होंने कहा बस हो गई अब घर चलते हैं।
सुकून की जगह पे रह रहे के ना इंसान को फिर सुकून की ही आदत हो जाती है, फिर उसको क्राउड पसंद नहीं होता। जैसे कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ, तो मुझे कराची इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ आप मॉल्स में जाएँ, कहीं भी जाएँ, इतना रश होता है ना, बहुत रश होता है। तो खैर, यहाँ हम आ गए थे दूसरे पोर्शन में और हमने सोचा कि यहाँ भी थोड़ी बहुत राइड्स दिला दें। यहाँ स्टॉल्स भी थे छोटे मोटे खाने पीने के, और टॉयज भी थे, और बच्चों की राइड्स भी थी। हम लोग तो वैसे ज़्यादातर बच्चों को वो हाउस जो बना हुआ था बड़ा वाला, उसमें हम छोड़ देते थे एक घंटे के लिए, लेकिन इस बार हमें बहुत जल्दी थी, तो हमने कहा बस 2-3 राइड्स इनको दिलाकर और फिर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ 10 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाना था। तो बस हमने इनको राइड्स दिलाई, फिर हम चले गए थे घर। घर जाके जो है ना, मैंने बर्गर बनाए थे, और बस झटपट से मेरे पास फ्रोज़न पैटी रखी थी, बर्गर पैटी, और ये वाला अमेरिका ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं फ्रोज़न फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि इतना सुनती हूँ फ्रोज़न फूड के बारे में, तो मैं अवॉइड करती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं ज़्यादातर फ्रोज़न फूड नहीं करती, जो बनाती हूँ रेडीमेड, वो मतलब बाहर से हम होटलिंग कर लेते हैं, या फिर मैं घर पे बना लेती हूँ फ्रेश जो बनाना होता है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हम ये वाले बर्गर पैटी ट्राई कर रहे थे, हमने कहा देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे तो ये वाले यूज़ करते रहते हैं, लेकिन वो दूसरे होते हैं, और ये थोड़े क्रिस्पी थे, तो मैंने सोचा ये वाले अब ट्राई करते हैं, इसके बर्गर बना के देते हैं बच्चों को। और सिंपल, बिल्कुल सादे से बर्गर मैं बना रही हूँ। मैंने बर्गर पैटी को सिंपल फ्राई किया है, और ये बर्गर बंस लिए हैं, और इसमें बस, क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल्स और सॉसेस स्पाइसी वगैरह कुछ पसंद नहीं होता है, उनको सिर्फ बन और ये बर्गर पैटी रखकर दे दो, वो ही शौक से खाते हैं। तो बस ये सिंपल सा मैं बर्गर बना रही हूँ, और बहुत ही बिल्कुल सादा हो गया था मेरे हिसाब से, तो जो है ना ये बिल्कुल टेस्टलेस था, बहुत ही टेस्टलेस था, इतना फीका, और इवन नमक भी नहीं लग रहा था कि मुझे इसमें नमक भी है। तो खैर, मैंने अपने बर्गर में थोड़ी सॉसेस वगैरह ऐड कर दी थी, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज़ वगैरह, और अगर आप प्याज, टमाटो, टोमेटो का पीस अगर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस मुझे पसंद नहीं आते बर्गर में, तो मैंने नहीं रखा था चीज़ स्लाइस, बच्चों को भी नहीं दिया था, क्योंकि वो फिर हैवी हो जाते हैं, और इतना शाम में हमने इवनिंग स्नैक में भी इतना खाया हुआ था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो बस इसलिए मैंने सिंपल से सादे से बर्गर बनाए, इसमें सिंपल टोमेटो केचप ऐड किया है, और ये बर्गर पैटी रख दिया है, बस बिल्कुल सिंपल बनाए थे बच्चों के लिए ये। लेकिन ये बर्गर पैटी मुझे पसंद नहीं आया था, बिल्कुल फीका था। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, बच्चों को अच्छा लगा था, और ये हमने रात का डिनर किया था। आज का व्लॉग यही था, पसंद आया होगा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।